ग्राफ, लेकिन आज हम बाइंड कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। यस, तुमने सही सुना। यस, देखा क्या क्या मस्त आइडिया है। क्या करूँ मैं, दिमाग में ऐसे मस्त आइडिया आ रहा है। इसी बात पे लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए यार, ऐसे मस्त मस्त आइडिया के लिए। यार बहुत मेहनत लगती है ऐसा आइडिया ढूंढने में। और भी चिकन कैसा है? सही सुना तुमने गाइस, आज हम क्राफ्ट कर सकते हैं कुछ कस्टम स्ट्रक्चर्स और उसे हम कंबाइन कर सकते हैं। यस, बहुत मजा आने वाला है। बात पे जल्दी से लाइक मार दो तो देखो कितना प्यारा सा फॉलोअर है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। वो देखो खरगोश भी है यहाँ पे, वो छोटा खरगोश। छोटा खरगोश मैंने कभी नहीं देखा। ओए कहाँ भाग रहा है, एक टपली तो खा। एक मैं भी पूछ सकता हूँ कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया वो। चलो सबसे पहले बेसिक से टूल बनाते हैं और वुड काट के। चलो हो गए मेरे पास टोटल 6 वुड। तो ये क्या करने आ रही है? तो अब मैं क्या लगता है, तो सीधी से टूल बनाऊंगा उसका अपने टेबल में। नहीं 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 नहीं, वो तो नूब लोग करते हैं, लेकिन मैं तो प्रो। 3, 2, 1 बूम। देखो दो दो वुडन के टूल। देखा जादू करूं मैं। भाई यार ये क्राफ्टिंग टेबल में इन्वेंटरी में क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्राफ्टिंग टेबल से नहीं बनाया, कुछ जादू से आया है। बोल रहा हूँ गाय से पूछ लो जाए। तो चलो बहुत बकवास हो गई। तो आज के हमें कस्टम स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक कस्टम क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा आयरन, और आयरन आयरन हमें यहाँ पे मिलेगा शायद केव में। लेकिन सबसे पहले स्टोन के टूल्स बनाने दो। चलो अब चलते हैं सीधा एकदम नीचे और थोड़ा आयरन लेके आते हैं। much later. देखते दो क्या यहाँ पे कहीं पे आयरन है। यहाँ पे केव है जो कि बंद है। यहाँ पे कोल है, कोल है। यस कोल, लेकिन यार आयरन कहाँ पे है? और हाँ मुझे गोल्ड भी चाहिए और एमरल्ड भी। तो उसके लिए मुझे विलेज ढूंढना पड़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं विलेज विलेज विलेज। कोई बच्चे क्या कर रहा है, चाकटी खाएगा? ढूंढने दो मुझे थोड़ा सा आयरन। कुछ देर के बाद आयरन आयरन कहाँ पे है? तो गाइस फाइनली सब सामान मिल गया है। बहुत ही इजी था ये सामान ढूंढना, मजाक कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी, कोई विलेज ही नहीं मिल रहा था। बट फाइनली एक विलेज मिला जहाँ से मुझे सिर्फ एक एमरल्ड मिला। बट इससे हमारा काम हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं अपना वो कस्टम क्राफ्टिंग टेबल। उसके लिए हमें एक एमरल्ड रखना है यहाँ पे और एक चेस्ट। हाँ कौन मारा कौन मारा? वो कौन था? ओ एंडरमैन, स्पाइडर, स्पाइडर के बच्चे। ओ ज़ॉम्बी 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 ज़ॉम्बी, मेरा क्राफ्टिंग टेबल। मैं गया। आ छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपू? यहीं पे जाता, यहीं पे। ओह फाइनली बच गया। यार उस स्पाइडर ने तो बहुत गंदा मारा। तो चलो अब सुबह होने का वेट करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। The next day. ओह फाइनली बच गया।
वो देखो वहां पे काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो मुझे फटाफट अपना क्राफ्टिंग टेबल लेके भागना है। वो देखो हड्डी, वो स्केलेटन, वो क्रीपर भी है वहां पे। तो चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ यार मुझे ऐसे ही भागना पड़ेगा शायद। तो चलो दूसरा क्राफ्टिंग टेबल बना लूंगा, कोई बात नहीं, एक बार स्ट्रक्चर मिल ले लो फिर बता दो तुम्हें। एक निहत्ते बच्चे पर हमला कर रहे हो। तो चलो अब बनाते हैं अपना कस्टम क्राफ्टिंग टेबल, और अब यहाँ पे रखना है आयरन, और देखो एमरल्ड का ब्लॉक, और बूम। तो कहाँ पे है वो? ओ ये देखा, एकदम मैजिक है मेरे हाथ में, देखा एकदम ही। देखो कितना सारा गोल्ड, और यही है वो तीन चंगू मंगू जो हमें वो देंगे कस्टम आइटम। देखो स्ट्रक्चर ट्रेडर वन, और देखो कितने सारा स्ट्रक्चर दे रहा है ये, और ये भी। ओ भाई, ओ ये क्या दे रहा है? न्यूक्लियर बॉम्ब, माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर, भाई ये मुझे जरूर चाहिए। बट यार इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा डायमंड और गोल्ड चाहिए, और देखो मेरी इन्वेंटरी में बिल्कुल कंगाल हूँ मैं। अबे यार कितना दुखी आदमी हूँ मैं, बहुत परेशान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गाइस सोचने दो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं क्रिएटिव मोड में जाके थोड़े से डायमंड ले लूँ, या डायमंड माइंड करके लाऊं? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, एक प्रो इस टाइम क्या करेगा? ऑब्वियसली माइनिंग में जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बैठ के इन्हें देखूंगा, क्या पता ये मुझे फ्री में दे दे। भाई दोगे ना मुझे फ्री में कुछ भी? तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। वो यहाँ पे डायमंड ब्लॉक है, यहाँ पे गोल्ड भी है, तो क्यों ना इनका ही डायमंड और गोल्ड चुरा के नहीं दे दूं? तो ये ऐसे ही करता हूँ, तुम्हारे पास क्राफ्टिंग टेबल तो है, तो चले आयरन की पिकैक्स बनाते हैं। ये भू अब इन्हीं का माल तोड़ के इनको ही बेचूंगा। ये इसे कहते हैं ब्रिक ब्रेन। तो ला भाई क्या दे रहा है तू? तो ये दे रहा है वार्म हर्ट स्ट्रक्चर, तो चलो लेते हैं इसे, और लिटरली एक स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, और एक इसका स्ट्रक्चर लेते हैं जंगल पिरामिड स्ट्रक्चर। तो एक ये लिया, और अब देखते हैं इन्हें कंबाइन करके क्या बनेगा। एक काम करते हैं थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ये है कंबाइन वाला, देखो यहाँ पे है। सिंपल क्राफ्टिंग टेबल में नहीं बनेगा ये, तो इसे तोड़ के ले चलूँ क्या? वो ये भी आएगा, यस ये रखा यहाँ पे, और अगर हम इसे यहाँ पे रखें और इसे रखें यहाँ पे, तो कुछ नहीं बनेगा। भाई चूना लगा दिया, चूना लगाया क्या? तो क्या ये सारे खरीदने पड़ेंगे? तो चलो खरीद लेते हैं, पैसे की कमी नहीं है। तो डायमंड ये भी खरीद लेते हैं, और ये इग्लू भी खरीद लेते हैं। तो आई थिंक जो ये बेच रहा है वो सिर्फ वही कंबाइन करेगा, तो ऐसा करके देखते हैं। और एक ये दिया, ओ देखो अपग्रेड फॉर्म एंड मॉन्स्टर स्ट्रक्चर। तो क्या हम इसे, ये नहीं हो सकता, तो इसे बना के देखते हैं। ओ भाई ये क्या है, ओ क्या खतरनाक है, और देखो इसमें एक चेस्ट है, और ये कोई मामूली और ऐसी वैसी चेस्ट नहीं, इसमें कुछ खतरनाक और कड़क माल होने वाला है। चलो देखते हैं। ओ
डेंड्राइट स्वॉर्ड। भाई ये क्या है? और डेंड्राइट का पैंट, और डेंड्राइट बूट, और एक एक्स। भाई ये क्या है? ये न्यूक्लियर बॉम्ब है? ये स्लाइम? हट, वे देखते हैं। ओ भाई साहब, ओ नो, ओ न्यूक्लियर बॉम्ब, ये क्या है? इसका क्या करूं? तो इसका क्या होगा? ओ ओ शिट भाई, मुझे भी डैमेज हो रहा है। इसे फोड़ के देखूं, खत्म। एक बार भी इससे तो एंड्रेड गया, बस एक बार भी। देखो विलेज भी मिल गया, क्या लक है मेरा। लगता है तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। ये विलेज भी मिल गया है, तो चलो चलते हैं अब एंड में। अब फोड़ के आता है एंड ड्रैगन को। अबे ये क्या हुआ? एक्सपायर्ड काइनेटिक एनर्जी। भाई ये क्या हुआ?
पर रुको, अभी मेरे पास सारा सामान है, जाने दो मुझे। मैं सामान कहाँ गया? चलो गाइस कोई बात नहीं, हम उस एंडरटैंगोस न्यूक्लियर बॉम्ब से पड़ेंगे, तो लेट्स गो। 3, 2, 1 आ गया मैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके तुझे फोड़ने के लिए, और अब मैं नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पास एक खतरनाक वाला कड़क आर्मर है। जल्दी से आ जा। और ये 1, 2, 3 ब्लास्ट। ओ एंडरटैंग की हेल्थ तो देखो भाई, अब तो मैं तुम्हें अपने क्रोध से मारूंगा। ओ भाई खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, एकदम गद्दे तरीके से मारा। ओ ये खतरनाक वाली एक्सपी, और देखो उसका अंडा भी, चारे का अंडा यहीं पे गिर गया। तो चलो गाइस तुम्हें ये मॉड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ लाइक करके जाना, तुम्हें ये ड्रैगन का ऑमलेट खिलाऊंगा। तो चलो बाय बाय। और एंडरमैन तो